नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। लोकसभा चुनाव 2019 के दूसरे चरण की 12 राज्यों की 95 सीटों पर वोटिंग जारी है। इस दौर में 1629 प्रत्याशी मैदान में हैं। बीजेपी, कांग्रेस, जेडीयू, सपा, बसपा, डीएमके, एआईएडीएमके, टीएमसी सहित कई दलों की साख दांव पर लगी है। दूसरे चरण की 95 सीटों में से बीजेपी 51 और कांग्रेस 46 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए आज देश की 95 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। पहले चरण की तरह दूसरे चरण में भी फर्जी वोटिंग का मसला सामने आया है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद कंवर सिंह तंवर ने आरोप लगाया है कि बुर्का पहनकर फर्जी वोटिंग की जा रही है, जिसको लेकर हमने डीएम से शिकायत की है। बसपा प्रमुख मायावती ने गुरुवार को चुनाव आयोग पर निशाना साधा। चुनाव प्रचार पर बैन के 48 घंटे पूरे होने के बाद मायावती ने ट्वीट करके पूछा कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बैन के बाद मंदिर मंदिर घूम रहे हैं और चुनावी लाभ ले रहे हैं, उन पर आयोग इतना मेहरबान क्यों है। लोकसभा चुनाव 2019 में प्रचार के दौरान आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने पर 72 घंटे का बैन झेल रहे योगी आदित्यनाथ आज एक बार फिर मंदिर दर्शन के लिए जाएंगे। इससे बाद सीएम योगी का पड़ाव धर्म नगरी काशी रहेगा। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने बुधवार को कहा कि कश्मीर में जंगल राज लागू है। उन्होंने अनंतनाग में राजमार्ग पर सेना द्वारा कथित रूप से एक मजिस्ट्रेट की पिटाई की भी निंदा की। भारत की स्प्रिंट क्वीन के नाम से चर्चित दूति चंद ने चुनाव आयोग की आइकॉन होने के बावजूद उड़ीसा में सत्ताधारी बीजू जनता दल के एक लोकसभा उम्मीदवार के पक्ष में कथित तौर पर चुनाव प्रचार कर विवाद पैदा कर दिया है। चंद ने कंधमाल लोकसभा सीट से बीजेडी उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे अच्युत शर्मा के बारे में एक फेसबुक पोस्ट लिखा है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में दो दिन पहले पीसीबी हॉस्टल में छात्र की हत्या के बाद हाईकोर्ट द्वारा लगाई गई फटकार के बाद पुलिस प्रशासन ने तारा चंद्र हॉस्टल में छापामारी की तो पुलिस के होश उड़ गए। प्रयागराज के इलाहाबाद विश्वविद्यालय के तारा चंद्र हॉस्टल में पुलिस की छापेमारी में बम बनाने के उपकरण और असलहे बनाने के उपकरण बरामद हुए हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने बुधवार को आरोप लगाया कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को 5 साल में सिर्फ एक बार नामांकन पत्र भरने के वक्त अमेठी की याद आती है। गौरतलब है कि ईरानी उत्तर प्रदेश की अमेठी लोकसभा सीट से राहुल गांधी के खिलाफ भाजपा की उम्मीदवार हैं। उत्तर कोरिया ने घोषणा की है कि उसने एक नए प्रकार के केमिकल निर्देशित हथियार का निरीक्षण किया है। कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी का कहना है कि किम जोंग उन ने बुधवार को एकेडमी ऑफ डिफेंस साइंस द्वारा हथियार की फायरिंग का निरीक्षण किया। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सऊदी अरब में हाल ही में दो पंजाबियों का सिर काटे जाने की घटना को बुधवार को बर्बर और अमानवीय बताते हुए कहा कि वह इस संबंध में विदेश मंत्रालय से विस्तृत रिपोर्ट मांगेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आप बने रहिए एमएसटीवी के साथ। नमस्कार। जेनाविन सेल्स, क्रॉम्पटन ग्रीव्स के गीजर, पंखे, एनलाइटिंग ल्यूमिनरीज, हैवी ड्यूटी एग्जॉस्ट फैंस एंड कूलर फैंस की संपूर्ण रेंज, एल मोनार्क के फैंस, पेडिस्टल फैंस, एग्जॉस्ट फैंस एंड एयर कर्टन की विस्तृत रेंज। जेनाविन सेल्स, नियर भारत टॉकीज, फर्स्ट फ्लोर, हमीदिया रोड, भोपाल।